बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 17.5 मैं आपको करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 11 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम क्वेश्चंस का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 1-1 फंक्शन और 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस और नाइदर ऑफ देम। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा जो फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन है और कौन सा फंक्शन 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस है और या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अब 1-1 और 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस होता क्या है? तो देखिए, यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चंस गिवन है इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर अगर देखें भाई, कोई भी आपके पास मौजूद है फंक्शन, उस फंक्शन में a, 1, 2, 3, a, b, c, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से जुड़े, अगर इस तरह सीक्वेंस वाइज आपके पास नंबर्स आ जाएं, ठीक है, इस तरह सीक्वेंस वाइज जुड़ जाएं डोमेन रेंज से, तो आपके पास ये 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा? 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस। अदरवाइज अगर आपके पास इस तरह से हो, यहाँ पर सी रह जाए और ये डी से जुड़ जाए, यानी कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से जुड़ने के बजाय चौथे से जुड़ जाए, या पहला पहले से जुड़ने के बजाय दूसरे से जुड़ जाए, तो ये आपके पास 1-1 फंक्शन कहलाएगा, 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, बीच में कोई मिस हो जाए, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस। और अगर आपके पास पहला पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा भी दूसरे से जुड़ जाए, यानी दो से जुड़ जाए जाकर आपके पास डोमेन रेंज से, तो फिर आपके पास ये ना 1-1 फंक्शन है ना ये 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस फंक्शन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला पहले से, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन हो गया? ये आपके पास हो गया 1-1 फंक्शन, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था 1-1 है या 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस है, तो ये है 1-1 फंक्शन। अब पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा है आपको? ये आपके पास है 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस फंक्शन। तो यहाँ हम लिखेंगे 1-1, क्योंकि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो ये है 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस फंक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, MCQs में अगर आपसे पूछ लें इस तरह से तो आप इजीली बता सकते हैं। पार्ट 3 है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, मगर दूसरा तीसरे दूसरे से ही जाकर जुड़ता है, तो ना ही आपके पास नॉट 1-1 नाइदर 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो किस तरह से 1-1 फंक्शन होगा, किस किस तरह से 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस होगा और कौन सा फंक्शन ना 1-1 होगा ना ही 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस होगा। ठीक है, ये था आपके पास, ये आपके पास 1-1 और 1-1 फंक्शन है, 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस ये, लेकिन आपके पास इनटू फंक्शन है, 1-1 नहीं है मगर इनटू ज़रूर है। इनटू क्यों है? क्योंकि आपके पास हर एक जो है वो जाके जुड़ तो रहा है, ये आपके पास फंक्शन तो है मगर ये इनटू फंक्शन है, 1-1 क्रॉस्पॉन्डेंस और 1-1 नहीं है। ठीक है, फंक्शन है लेकिन इनटू फंक्शन है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह।